ये है सिद्ध बकुल। सिद्ध बकुल काशी मिश्र के घर से पास ही है, अर्थात गंभीरा। स्वयं चेतन महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को इसी सिद्ध बकुल के यहाँ रहने के लिए कहे थे, और सिद्ध बकुल हरिदास ठाकुर जी का भजन कुटीर है, जहाँ वे 3 लाख नाम लेते थे प्रतिदिन। महाप्रभु प्रत्येक दिन उनसे मिलने आते थे, और उसी स्थान में बैठ के वो जगन्नाथ जी का जो मंदिर का जो चक्र है उसे देख के प्रणाम करके वहीं थे, क्योंकि वो मुस्लिम थे, इसके लिए जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं था। और जगन्नाथ मंदिर का महत्व है कि जो व्यक्ति जगन्नाथ के मंदिर के चक्र को देख ले, जगन्नाथ जी का दर्शन बराबर है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को विनती किए थे कि ये इसी स्थान में वो रहे और अपना हरिनाम, हरिदास ठाकुर जी इसी स्थान में जब हरिनाम करते थे कड़ी धूप में, सब चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथ जी का जो दंतुन है वो लेके आए, और जहाँ हरिदास ठाकुर बैठ के हरिनाम करते उससे पास में ही उस दंतुन को लगा दिए। दंतुन धीरे धीरे देखते ही देखते परिवर्तन हो गया वृक्ष में, और उसी वृक्ष के नीचे बैठ के हरिदास ठाकुर जी अपना हरिनाम करते थे। आज जो सिद्ध बकुल का जो जगह है वहाँ पर ही हरिदास ठाकुर के साथ सनातन गोस्वामी भी उसी स्थान में रहते थे। कुछ समय बीत गए, राजा ने अपने प्रतिनिधियों से कहा कि जगन्नाथ जी का रथ बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, इसलिए पुरी में जहाँ लकड़ी आपको मिले, जहाँ वृक्ष मिले वो काट दीजिए। तो वे सिद्ध बकुल को काटने आए, क्योंकि वो बहुत लंबा और बहुत विशाल था। तो जगन्नाथ गोस्वामी जो वहाँ पर जब थे, तो उन्होंने कहा कि ये स्वयं चेतन महाप्रभु ने अपने हाथों से हरिदास ठाकुर जी के लिए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के लिए लगाया है, इसके लिए आप इसे मत काटिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहे कि हम अगले ही दिन इसे काटेंगे। और उसी रात जब सुबह हुई, तो वृक्ष जो है टेढ़ा मेढ़ा पूरी तरह से हो गया, और उसके अंदर का जो भाग है वो पूरी तरह से खोखला बन गया। तो वो वृक्ष काटने के लिए जब उसके प्रतिनिधि आए, कहे कि अरे ये वृक्ष तो कुछ काम का नहीं, अंदर से भी पूरा खोखला हो गया है, और ये झाड़ तो सीधा भी नहीं है। तो वहाँ से वो चले गए, ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, स्वयं चेतन महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का जो दंतुन है उससे उसे लगा के ही उस वृक्ष को बनाया था। तो ये वृक्ष जो आज आप देख रहे हैं इसे